विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर के प्रत्याशी राकेश पठानिया ने अपना नामांकन भरा। उनके नामांकन पर हजारों की संख्या में समर्थक उनके काफिले में शामिल हुए। इस मौके पर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज, जम्मू कश्मीर के वन एवं पर्यावरण मंत्री और जिला नूरपुर के चुनाव प्रभारी चौधरी लाल सिंह और पंजाब सुजानपुर के विधायक दिनेश बब्बू भी उनके नामांकन रैली में शामिल हुए। राकेश पठानिया ने हजारों की संख्या में सैकड़ों मोटरसाइकिल और गाड़ियों का काफिले को रैली के रूप में शामिल करके अपनी ताकत का एहसास करवाया। गणोह पंचायत से शुरू हुई ये रैली चौगान मैदान में खत्म हुई, जहां सभी समर्थकों को राकेश पठानिया ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव वो तभी लड़ेंगे जब नूरपुर जिला होगा, सिविल अस्पताल जोनल अस्पताल होगा और एक मिनी यूनिवर्सिटी होगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके साथ आए ये काफिला अपने आप में बयां करता है कि जनता की राय क्या है। उन्होंने कहा कि नूरपुर की जनता ने मन बना लिया है कि वे कांग्रेस विधायक की जमानत जब्त करवाएंगे और रिकॉर्ड मतों से भाजपा को जिताएंगे। मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने है, आपको नजर आ रहा है। नूरपुर की जनता ने मन बना लिया कि इस बार अजय मान की जमानत जब्त करानी है, और इसमें उनको कोई नहीं रोक सकता। लोग दुखी हो गए, ये आज फैसला लेने पर मजबूर हुए। 5 साल से हमारा सारा काम, हमारा सारा विकास, हमारा बच्चों का भविष्य जो है वो अंधेरे में खड़का रहा है। आज समय आ गया कि मोदी का राज है, मोदी का समय है और मोदी सरकार के साथ हम सब चलना चाहते हैं। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैंने नामांकन पत्र भरा है और मैं विश्वास रखता हूँ कि भाजपा नूरपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। तो